शुरू करने से पहले आप लोगों से एक सवाल है, आप लोगों को जो स्कूल कॉलेज में मिला वो क्या है, नॉलेज या इन्फॉर्मेशन? क्या एजुकेशन और नॉलेज सेम चीज़ है? क्या पैसा कमाने के लिए एजुकेशन ज़रूरी है? और अगर ज़रूरी है तो हमें स्कूल और कॉलेजेस में पैसा कमाना क्यों नहीं सिखाया जाता? क्या उन्हें भी नहीं पता पैसा कैसे कमाते हैं? क्या कोई ऐसा है जो गरीबों को जानबूझ के गरीब रखना चाहता है? तो चलिए पहले एजुकेशन को समझते हैं कि एजुकेशन क्या होता है। तो एजुकेशन सेट ऑफ नॉलेज होती है जो हमें किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में दी जाती है। अब ये कुछ भी हो सकता है, मेडिकल फील्ड हो सकती है, इंजीनियरिंग फील्ड हो सकती है, कोई लैंग्वेज हो सकती है, किसी चीज़ के बारे में रिसर्च हो सकता है। तो अब बात ये आती है कि नॉलेज क्या होता है। तो नॉलेज सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में दी जाती है। और जब हमारे पास किसी चीज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उससे रिलेटेड सारे वाई, व्हाट, इफ़, बट के जवाब होते हैं, तो हमें उस चीज़ की नॉलेज होती है। इन्फॉर्मेशन एजुकेशन का सबसे छोटा पार्ट है, या आप इसे ऐसा कह सकते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप है। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, इसका मतलब है हमें उस चीज़ के बारे में कुछ फैक्ट्स पता हैं। अब सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। हमें स्कूल और कॉलेजेस में बहुत सारे डिफरेंट फील्ड के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रटाई जाती है, जिसे सो कॉल्ड एजुकेशन कहा जाता है। और जब आप ये 4-5 साल पुरानी इन्फॉर्मेशन का पिटारा अपने सर पे लेके जॉब ढूंढने निकलते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये चीज़ें तो 10 साल पुरानी हो चुकी है, अब तो ये मार्केट में यूज़ ही नहीं हो रही। और आपको ये समझ में आता है कि आपकी ये सो कॉल्ड इन्फॉर्मेशन या एजुकेशन यूजलेस हो चुकी है। इन्फॉर्मेशन तो हम पेन ड्राइव में भी स्टोर कर सकते हैं, उसे हमें अपने दिमाग में स्टोर करने की क्या ज़रूरत है? हमें एजुकेशन के नाम पे इन्फॉर्मेशन नहीं, स्किल्स चाहिए। पर हमारा एजुकेशन सिस्टम इस हिसाब से डिज़ाइन ही नहीं किया गया कि हमें स्किल्स मिले। यहाँ पे सभी बच्चों को एक ही तराजू में तोला जाता है, आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से नहीं सिखाया जाता, बल्कि आप चीज़ों को कितना रट सकते हैं इससे आपकी काबिलियत साबित होती है। जी हाँ, एग्ज़ाम्स की बात करो, जब आप 90% लेके आने के बाद इस रियल वर्ल्ड में पहुँचते हैं, तो आपको पता चलता है यहाँ पे ये रटी रटाई बातें काम नहीं करती। आपकी सारी इंटेलिजेंस, सारे नंबर धरे के धरे रह जाते हैं। और लॉजिक्स, सोचना, समझना, चीज़ों को बनाना, इन्वेंट करना, जिनकी अब ज़रूरत है, ये तो हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। और यहीं आके स्ट्रगल शुरू होती है गवर्नमेंट जॉब की, कि जैसे तैसे करके सरकारी नौकरी मिल जाए, काम धाम भी ना करना पड़े और जॉब सिक्योरिटी भी हो जाए, क्योंकि काबिलियत का जो भ्रम लेके हम घूम रहे थे वो अब तक फूट चुका होता है। प्राइवेट जॉब्स में कम्पिटिट करना और रिजल्ट ओरिएंटेड ग्रोथ देना, इसकी काबिलियत तो हम में होती नहीं, और ज़्यादातर लोग यहाँ पे आके छट जाते हैं। फिर बात वहीं आ जाती है, लचर एजुकेशन सिस्टम। पर भाई, ये एजुकेशन सिस्टम तो बहुत बढ़िया था, हाँ हमारे लिए नहीं पर अंग्रेज़ों के लिए, उन्होंने अपने लिए ही तो इसे डिज़ाइन किया था, वो तो हम बेवकूफ़ हैं जो इसे आज भी फॉलो कर रहे हैं। तो अब आप कहेंगे कि कोई इसे फिर बदल क्यों नहीं रहा? तो भैया, जिन नेताओं को इसे बदलना है वो भी तो इसी एजुकेशन सिस्टम की ही देन है, इसी सिस्टम की तरह बिल्कुल नाकाबिल। रिसर्च, इनोवेशन और डेवलपमेंट वाली तो उनकी सोच ही नहीं है, वो एक क्लर्कियल माइंड, सीमित दायरे में सोचने वाले। बदलाव वो लेके आते हैं जिनकी सोच बड़ी होती है, इन्हें तो भैया अपनी जेब बड़ी करने से फुर्सत नहीं मिल रही। और एजुकेशन अगर सक्सेस के लिए इतना ही ज़रूरी है, तो विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी, अडानी, धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, ये सब इतने सक्सेसफुल कैसे हैं? इट इज़ नॉट अबाउट एजुकेशन और डिग्री, इट इज़ अबाउट नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस। और ये प्रोवाइड कराने में हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल फेल है, और इसीलिए इस एजुकेशन सिस्टम से निकले ज़्यादातर लोग लाइफ में फेल हो जाते हैं। और जो सक्सेस होते हैं वो वही होते हैं जो कुछ बड़े और महंगे कॉलेजेस में पढ़े हुए हैं, जिन्होंने फॉरेन में जाके अपनी एजुकेशन की है। वही इंडियन माइंड जब फॉरेन में जाके स्टडी करता है तो इतना इनोवेटिव हो जाता है, और वही माइंड जब इंडिया में रहकर एजुकेशन करता है तो एक नौकरी के लिए तरसता रह जाता है। और ये फेलियर हमारे लोगों का नहीं है, ये फेलियर हमारे एजुकेशन सिस्टम का है। दिस एजुकेशन सिस्टम कीप्स यू पुअर। अब इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई साइंस पढ़ रहा है और उसे इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उसका इंटरेस्ट फाइनेंस में है, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो साइंस से फाइनेंस की तरफ स्विच कर पाए या चेंज कर पाए। अब होता ये है कि उसको मजबूर होकर साइंस ही पढ़ना पड़ता है, और बिना इंटरेस्ट की पढ़ाई में आप क्या नॉलेज गेन करोगे, ये आप खुद ही समझ सकते हो। टाइम और पैसे दोनों की बर्बादी। बट कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर आप जब चाहें आपके सब्जेक्ट्स चेंज कर सकते हैं, या आपको जब जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है तब वो जाके आप वो पढ़ सकते हैं, आपको पूरी पढ़ाई फिर से शुरू करने की ज़रूरत नहीं। और फिर हमें पूरी लाइफ इसी सोच के साथ चलना पड़ता है कि हमने यही पढ़ाई की है तो अब हमें इसी फील्ड में रहना है और अभी यही जॉब करनी है, और हम बिना मन के पूरी लाइफ वहीं पे जॉब करते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप किसी दूसरे फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेस हो सकते थे, पर आपको मौका ही नहीं मिलता कि आप वहाँ पर जा पाएँ, और आप में अब इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि अपनी जॉब आप स्विच कर सकें, क्योंकि स्कूल से ही हमारे अंदर फेल होने का डर भर दिया जाता है। हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि फेलियर इज़ फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। तो डिफरेंट चीज ट्राई करके फेल होना इज़ गुड टू गेन नॉलेज, और आप चाहते ना चाहते हुए भी इसी रेट रेस का हिस्सा बन जाते हैं।
मजबूरी में पढ़ाई, मजबूरी में नौकरी और अब मजबूरी में जिंदगी। हमें ऐसे एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है जो लोगों के अंदर स्किल डेवलप करे उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, ना कि उन्हें रट्टू तोता बने। जब आप अपनी इंटरेस्ट की चीज़ पढ़ते हैं तो उसे आप बहुत जल्दी सीखते हैं, और जब आप उस पर काम करते हैं तो उसे आप पूरी मेहनत पूरी लगन से काम करते हैं। उसे करने में आपको खुशी मिलती है, जिससे आपके सक्सेस होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ज़िंदगी में खुश रहने के, सक्सेसफुल होने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, नॉलेज की ज़रूरत है। और नॉलेज सिर्फ स्कूल या कॉलेज में ही मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। पैसा कमाने के लिए हमें यह पता होना बहुत ज़रूरी है कि पैसा कमाया कैसा जाता है, जिसकी नॉलेज कोई भी स्कूल या कोई भी कॉलेज नहीं देता है। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में बेसिक नॉलेज हर स्टूडेंट को देनी चाहिए, जिससे उन्हें पता चले कि लाइफ में सक्सेस होने के लिए उन्हें कैसे इन्वेस्ट करना है। वो पैसे कमा तो लेते हैं, लेकिन उस पैसे से कभी पैसा बना नहीं पाते। एग्जाम्स हमारी रटने की कैपेसिटी को जज करने की जगह हमारी प्रैक्टिकल एबिलिटी को डेवलप करने के लिए होनी चाहिए। हमें सिस्टम में चेंज की नहीं, हमें पूरा सिस्टम ही चेंज करने की जरूरत है। जहाँ बच्चों को सिर्फ रटाया ही जा रहा है, पर ये नहीं बताया जा रहा है ये रटी रटाई बातें लाइफ में कहाँ काम आने वाली हैं। आपको क्या लगता है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, ये अनप्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम की एजुकेशन या पर्सन इंटरेस्ट बेस्ड नॉलेज? मैं हूँ विशाल तिवारी, आप देख रहे थे ज्ञानोसार। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।